Hello students, welcome to our YouTube channel Schoolomics. In the last lecture, we discussed about the chapter Organisms and Population from the unit Ecology of your 12th textbook of the biology. Okay, that was part 1. Then in this section, we will discuss about part 2. Okay, so part 1 हमने पिछले lecture में देखा था, part 2 की बात हम इस lecture में करेंगे. Okay, तो चलिए textbook पर पहुँचते हैं और शुरू करते हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था. लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि कैसे इकोलॉजी है वो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देती है बायोलॉजी को. ओके, हमने इकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी. हमने इकोलॉजी क्या है उसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस समझा. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी. इकोलॉजी किन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्ले करती है वो देखा. इकोलॉजी की टर्म समझी जैसे कि पॉपुलेशन स्पीसीज इकोसिस्टम वगैरह. ओके, पॉपुलेशन की बात करी कि उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनके मेजरमेंट को समझा कैसे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को मेजर किया जा सकता है. ठीक है, और पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे कि उसका कंपोजिशन उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइमेट्स के थ्रू वो भी हमने समझा. ठीक है, पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के कई मेथड्स को समझा. आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी में जो ग्रोथ हो रही है या डिक्लिनेशन जो हो रहा है वो किन प्रोसेस की वजह से होता है, वो प्रोसेसेस क्या हैं, वो कैसे प्ले करती हैं. ओके, उन प्रोसेसेस की बात करेंगे. उसके बाद पॉपुलेशन जो ग्रोथ करती है या डिके करती है वो किन पैटर्न्स को फॉलो करती है, उन पैटर्न्स को मैथमेटिकली किन इक्वेशन से समझा जाता है, साथ ही उन इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे समझा जाता है, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ से हम लेंगे इस चैप्टर को इस पार्ट टू में. ओके, देखिए कोई भी स्पीसीज़ इस बायोस्फीयर में है उसकी पॉपुलेशन चेंज होती रहती है टाइम के साथ, तो वो स्टैटिक नहीं है. ठीक है, वो ऊपर नीचे होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी. ठीक है, ओके, तो ये बढ़ना घटना क्यों होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि फूड हो गया. ठीक है, खाने की अवेलेबिलिटी, प्रेशर प्रेशर, एडवर्स वेदर हो गया, तो ये सारे इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन की साइज में चेंज होगा. अगर फूड अवेलेबिलिटी कम है तो पॉपुलेशन का डिक्रीज होगा, कुछ इंडिविजुअल मर जाएंगे. प्रेशर प्रेशर ज़्यादा, शिकारी ज़्यादा है तो वही डेथ हो जाएगी. वेदर एडवर्स है तो कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे या मर भी जाएंगे. तो क्या है, इन फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन के साइज में चेंज, टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज होती रहती है किसी भी स्पीसीज की. ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन जब चेंज होती है उनको चेंज करने में प्रोसेसेस क्या फॉलो करती है स्पीसीज, उसके बारे में देखें. सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ फ्रेम किया उसको देख लेते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स एसेंशियल फॉर चेंज इन साइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या फैक्टर्स हैं यहाँ पे आपको बताया. फैक्टर्स ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना. फैक्टर्स क्या क्या हैं, फूड की अवेलेबिलिटी है, प्रेडेशन प्रेशर है, एडवर्स वेदर है, बर्थ डेट, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी के चेंज होने में रेस्पॉन्सिबल. ओके, आगे चलिए. तो देखिए पॉपुलेशन का जो चेंज होने के लिए फैक्टर्स हैं वो तो हमने देख लिए, लेकिन पॉपुलेशन जो चेंज होती है वो किन प्रोसेसेस को फॉलो करती है, तो चार बेसिक प्रोसेसेस आपके यहाँ बताए गए हैं आपके सिलेबस में कि इन प्रोसेस को फॉलो करके पॉपुलेशन की डेंसिटी में चेंज होता है. सबसे पहले जो नंबर वन प्रोसेस है वो है नेटलिटी, फिर मॉर्टलिटी, फिर इमिग्रेशन एमिग्रेशन. इन चीज़ों को समझने के लिए आप सिंपल इस ग्राफ को देखिए, आपको समझ में आएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ. देखिए नेटलिटी का मतलब होता है बर्थ, यानी कि कितने लोगों ने जन्म लिया. मॉर्टलिटी का मतलब मृत्यु, कितने लोग मर गए. ओके, उस पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल ने जन्म लिया, उस पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल मर गए. इमिग्रेशन मतलब उस पॉपुलेशन में उस एरिया में, अब चूंकि हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो पहले बताया गया, मैंने बताया आपको कि पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एरिया डिफाइन कर रखा है और टाइम पीरियड आपने डिफाइन कर रखा है. ठीक है, स्पीसीज़ आपने ऑब्वियसली डिफाइन करके किस स्पीसीज़ के लिए आप बात कर रहे हैं, तो उस स्पीसीज़ के इंडिविजुअल अगर कहीं से आ रहे हैं तो इमिग्रेशन यानी कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. बर्थ हो रहा है तो पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है, प्लस दिखाया गया है. ठीक है, मर रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन का साइज कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है. ठीक है, इमिग्रेशन यानी कि यहाँ से इस स्पीसीज के मेंबर्स इस जो आपने एरिया डिफाइन किया, जो हैबिटेट आपने डिफाइन किया, वहाँ से क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं. ये क्यों हो सकता है, आपका प्रेडेशन प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फूड कैपेबिलिटी कम हो, या एडवर्स वेदर आ गया. फैक्टर्स बताए थे मैंने, फैक्टर्स तो वो हैं लेकिन प्रोसेस क्या हो सकती है, वो प्रोसेस ये चाह रहे हैं. ठीक है, तो नेशनल स्टडी में क्या है, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड, कितने लोगों ने जन्म लिया. मॉर्टलिटी में क्या, नंबर ऑफ डेथ्स. ठीक है, और इमिग्रेशन आपको समझा दिया, जो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के हैं वो कहीं से आ जाएं, इस हैबिटेट में दूसरे हैबिटेट से सेम स्पीसीज के मेंबर्स आ जाएं, इमिग्रेशन छोड़ के चले जाएं, उसका रिवर्स है. ओके, आपस में ये चार टर्म्स हैं,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो यहाँ पे फ्रेम किया गया, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट डिफाइन, प्रोसेसेस की बात करी गई है, गवर्न द फ्लक्चुएशन पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन इन पार्टिकुलर हैबिटेट, क्या है नेटली मॉडली मिशन, ठीक है। तो प्रोसेसेस पूछा जाए तो आपको ये इन चीज़ों के बारे में सोचना, अगर फैक्टर्स पूछे जाए तो आपको ये चीज़ सोचना, ठीक है। ये तो आप ध्यान रखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि पॉपुलेशन के साइज में अगर चेंज हो रहा तो किन प्रोसेस को फॉलो करेगी, वो या तो इमिग्रेशन हो जाएगा या नेटलिटी बर्थलेट होगी या इमिग्रेशन, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक साथ देखा जाए तो इनके इफेक्ट को, नेट इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, आइए देखिए। यहाँ पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई, इसमें लिखा हुआ है एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई फिर माइनस डी प्लस ई, इसको समझिए। यहाँ पर जो एन टी है वो दिखा रही है किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन एट टाइम इजिकल टू टी या टाइम इजिकल टू जीरो, जब से आपने उसको मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। फिर आप मान लीजिए ये 2022 की बात है, ठीक है, कि पॉपुलेशन क्या थी ह्यूमंस की, और ये 2023 की बात है, फिर टाइम इक्वल टू टी प्लस वन पे, यानी कि प्रेजेंटली उसकी पॉपुलेशन क्या है, तो उसका क्या होगा। अब देखिए उसमें बर्थ होंगे प्लस इमिग्रेशन होगी, ये क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, बर्थ जो होंगे वो भी बढ़ा देंगे, इमिग्रेशन लोग आ जाएंगे वो भी बढ़ा देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, डेथ जो लोग मर गए वो घटा देंगे पॉपुलेशन को, कम कर देंगे, और इमिग्रेशन वो भी कम कर देंगे। तो जो बढ़ा रहे हैं फैक्टर्स वो एक तरफ और जो घटा रहे हैं वो एक तरफ, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और इनिशियल जो पॉपुलेशन थी उसमें आप जोड़ दीजिए, सिंपल इक्वेशन को याद करने में कुछ भी नहीं, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो उसमें आप क्या करिए, जो पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले फैक्टर्स उनको जोड़ दिए और जो घटाने वाले उनको डिफरेंस कर लीजिए, उनका जो नेट आए उसको आप जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसमें जोड़ लीजिए। पहले आप इसको सॉल्व करिए, जो बढ़ाने वाले फैक्टर्स उनको जोड़ लीजिए, फिर जो घटाने वाले उनको जोड़ लीजिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए, और इसका जो नेट आए उसको आप जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसमें ऐड कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको हो गया, ठीक है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बर्थ और डेथ इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टर्स, क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। यहाँ देखिए फैक्टर टर्म यूज़ किया लेकिन ये प्रोसेसेस हैं, फैक्टर्स को भी समझते हैं लेकिन प्रोसेस तो आप समझिए, ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, फैक्टर्स भी प्रोसेस में, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, समझिए आप बात। अब देखिए लेकिन कुछ ये तो नॉर्मल केसेस में बर्थ और डेथ डिफाइन करते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में कभी क्या हो रहा है कि कोई हैबिटेट कॉलोनाइज हो रहा है, कोई इंडिविजुअल कोई स्पीसीज हैबिटेट को कॉलोनाइज कर रही है, तो क्या इमिग्रेशन वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए, ये द फॉलोइंग फैक्टर विल अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी मोस्ट इन केस न्यू हैबिटेट, वही बात, न्यू हैबिटेट कॉलोनाइज है तो कौन सा इफेक्ट करेगा, इमिग्रेशन, ठीक है। विच द फॉलोइंग फैक्टर विल काउंट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड के लिए क्या होगा, इमिग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपने जो समझा उनको समझने के लिए आप इस चीज़ को देखिए तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए पॉपुलेशन के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पॉपुलेशन एंड, और पॉपुलेशन एंड क्या है इस चैप्टर का नाम, देखिए ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस को हम मेजरली पॉपुलेशंस की बात करेंगे, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के पैरामीटर, ठीक है, उनकी सारी हमने इस चैप्टर में बात करी है, उनके मेजरमेंट, उनको डिस्प्ले कैसे उनको करते हैं, पॉपुलेशन के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, यह बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ देखिए तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि हाउ मच द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी, तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी, वेदर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज और क्या पॉपुलेशन बढ़ी है घटी है, उसके लिए क्या हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करनी पड़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ की हमने भी बात करी, जिसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, ये ठीक है, एन टी प्लस वन इज इक्वल टू इस इक्वेशन की हम बात करी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, ठीक है, ओके। फिर अगर हमें पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है वो डिक्लाइन हुई है, उसके लिए चार बेसिस पर बेसिक प्रोसेसेस होती हैं, उसकी बात करिए, नेटलिटी, ठीक है, मोर्टलिटी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। फिर अब जो पॉपुलेशन में ग्रोथ या डिक्लाइन हो रहा है वो उसका पैटर्न क्या है, ठीक है ना, उस पैटर्न की स्टडी के लिए हमारे पास ग्रोथ मॉडल्स होते हैं जो मैथमेटिकली इनकी स्टडी करी जाती है, किस मॉडल के थ्रू किस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है पैटर्न, उसको हम स्टडी करते हैं मैथमेटिकली, ओके। तो उन ग्रोथ मॉडल्स में दो मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है आपका दूसरा आपका क्या है एक्सपोनेंशियल के बाद आपका लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक ही, हाँ ओके, लॉजिस्टिक, ठीक है, पहला आपका एक्सपोनेंशियल है, दूसरा लॉजिस्टिक है। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इसमें डिफिकल्ट है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ दिया, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा इनके बारे में समझिए। देखिए एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का मतलब ये है कि कोई भी पॉपुलेशन जब ग्रो करती है ना उसको रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की स्टडी तब मानी जाएगी इस वो किस केस में, जब पॉपुलेशन की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नहीं है, उसके पास खाना भरपूर मात्रा में, उसके कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उतना खा सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रोथ पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल होगी। इसके लिए आप एक एग्जांपल समझिए, किसी भी बायोलॉजी की लैब में या माइक्रोबायोलॉजी की लैब में, किसी भी लैब में आप बैक्टीरिया के कल्चर को ग्रो करते हैं, उसमें एक पैट्री डिश होता है, उसमें आप ग्रो करते हैं कल्चर को, ठीक है। इनिशियली आपका जो मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो बहुत भरपूर मात्रा में, तो आपने सिंपल कल्चर में कुछ बैक्टीरियाज को लिया वहाँ डाल दिया, ये उस पैटरीज में, तो इनिशियली क्या है उन बैक्टीरियाज के लिए वो जो रिसोर्सेज यानी कि फूड के भरपूर मात्रा में, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, तो इनिशियल फेज में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, तो उसको ग्रोथ को
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। तो उस ग्रोथ को समझने के लिए आपको इन दो ग्राफ को समझना पड़ेगा। इस दोनों ग्राफ में दोनों तरह के मॉडल्स को दिखाया गया। पहला ग्राफ जो रेड लाइन से दिखाया गया वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है किसी पॉपुलेशन में जब उसके रिसोर्सेज में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना चाहे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको इक्वेशन दी जाती है डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन। डी एन ओवर डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज। आर क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है ना। आर की वैल्यू जो होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और रिमेंबर बर्थ रेट पर कैपिटा है और डेथ रेट भी पर कैपिटा है। हमने बर्थ रेट पर कैपिटा कैलकुलेशन किया था लोटस के एग्जांपल, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो डी एन ओवर डी टी आर एन आप इसी निकालिए, या फिर इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं तो एन इज इक्वल टू एन ओ टी की पावर आर टी। ये आपको रेडियोएक्टिव डिके में भी वही इक्वेशन यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो रेडियोएक्टिविटी जिसने पढ़ा होगा उसको ये चीज़ याद आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो इसके लिए हम मैथमेटिकली डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन यूज़ करते हैं। आर की वैल्यू होती है बर्थ रेट माइनस डी, यानी कि बी माइनस डी, ये पर कैपिटा होता है, ठीक है। एन क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिए एन इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। एन क्या है? बाद में जब आप निकाल रहे हैं तब आर, आर क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट पर कैपिटा, और टी टाइम है, कितने टाइम के लिए आप निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, पहले इसको समझ लीजिए एक्सपोनेंशियल, फिर हम लॉजिस्टिक की बात करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ आपको समझ में आया किस तरह से होता है, इसको जे शेप ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए आर की जो वैल्यू होती है यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट पर कैपिटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। वो किसी भी स्पीसीज का ये बता रहा है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ आर। ये डार्विनियन थ्योरीज में बात करी जाती है आर की वैल्यूज की। जिसकी स्पीसीज की आर वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्पीसीज क्या है, उतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर रही है, उतनी तेज़ी से ऑफस्प्रिंग को बढ़ा रही है, ठीक है। ये इंटीग्रल फॉर्म जो मैंने आपको बताया वो उसकी बात करेगी। डी एन ओवर डी टी आर एन के बाद जो इक्वेशन उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन नॉट क्या है? टाइम इज इक्वल टू जीरो पर एन, टाइम इज इक्वल टू टी पर। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे वही चीज़ है। ए की वैल्यू क्या? 2.7। नेचुरली बेस लॉगरिथम ई होता है, उसकी वैल्यू क्या है? 2.7 में, ठीक है। तो ये वैल्यूज डाल के आप निकाल सकते हैं। इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी आपके एक्सरसाइज में दिया है, उसको हम करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इस इक्वेशन से वो होगा, ठीक है। अब आप देखिए डार्विनियन जो फिटनेस की बात करी जाती है उसमें भी आर की वैल्यू की बात करी जाती है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल जो कर्व होता है उसको ज्योमेट्रिकल भी बोल देते हैं, सेम सिनोनिम्स हैं, दोनों का नाम एक ही है, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक बोल दीजिए, ठीक है। उसके लिए दो इक्वेशंस बताई की बात करेगी, एक डी एन ओवर डी टी आर एन और एन इक्वल डी एन ओवर डी टी, ठीक है। ये दो इक्वेशंस को आपको समझना है जब आप एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक की बात करें, ठीक है। ये कब होता है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। अब लॉजिस्टिक की बात करिए तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है। इनिशियली पॉपुलेशन क्या थी? एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी, फिर जैसे जैसे फूड खत्म होने लगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होते गए, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, कुछ लोग मरने लगे। बैक्टीरियाज की स्पीसीज को समझिए आप, बैटरी प्लेस में बैक्टीरिया मरने लगे होंगे, फिर क्या होगी? पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट हो जाएगी, फिर उसी रेट से मर रहे हैं, उसी रेट से जीरो। जितना वो सस्टेन कर सकता है मीडियम, उस मीडियम उस बैटरी को आप एक बायोस्फीयर समझिए या फिर उसका हैबिटेट समझिए, ठीक है। तो जितना हैबिटेट जो उसको कैरी कर सकता है, जितनी पॉपुलेशन, उतनी ही पॉपुलेशन वहाँ सस्टेन करेगी, बाकी के डिलीट होंगे। तो इस इक्वेशन में एक नया कंसेप्ट था कैरिंग कैपेसिटी, क्यों? क्योंकि जितना आप पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है वो एनवायरनमेंट, उतने ही लोग वहाँ जिंदा रहेंगे। तो उसके लिए क्या कैरिंग कैपेसिटी की बात आती है? के ये एक नंबर ही है कि इतने नंबर इंडिविजुअल वहाँ रह सकते हैं, बाकी नहीं, बाकी तो इस क्वेश्चन में सेम ही है। तो जो आपका लॉजिस्टिक मॉडल है उसमें केवल एक चीज़ नहीं आ जाती, जो है कि कैरिंग कैपेसिटी के, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेचर में कहीं भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। हर स्पीसीज़ के लिए रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन भी होता है स्पीसीज़ का, आपस में कंपटीशन भी होता है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो नेचुरल तो कैरिंग कैपेसिटी के की बात करी जाती है, उस हैबिटेट में जहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी के है, उस हैबिटेट के लिए पॉपुलेशन की डेंसिटी को या पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को, रेट ऑफ चेंज या डी एन ओवर डी ग्रोथ रेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? आर एन के माइनस एन वाई के की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी? तो के बार रेस्पेक्ट में बात चल रही है तो के डिनोमीटर में यहाँ भी आ जाएगा। अब जिसके रेस्पेक्ट में बात चलती है उसी के हिसाब से सारा इक्वेशन डिफाइन होता है। तो के रेस्पेक्ट में बात चलती है, के डिनोमीटर में आ जाएगा। उसको याद करना बिल्कुल आसान, डी एन ओवर डी टी आर एन है, उसकी जगह आप के माइनस एन वाई के रखिए। तो के रेस्पेक्ट में बात करें तो के, ठीक है। इनिशियली आप देखिए ये जो ग्राफ है लॉजिस्टिक, वो भी इनिशियली एक्सपोनेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ तक अगर आप दोनों ग्राफ को देखें लगभग सेम ही है, ओके। इसके बाद जब रिसोर्स लिमिटेड होना चालू हुए तो ये ग्राफ चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से दो मॉडल्स दिए जाते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली ऐसा है, इनकी इक्वेशंस ऐसी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझिए केयरफुली। देखिए एक्सेस पे टाइम दिया गया है, टाइम के साथ पॉपुलेशन, और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दी गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी के क्या क्या मेजरमेंट्स के तरीके वो सारे हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इनका डिफरेंस को देख लीजिए फटाफट। देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या है, रिसोर्सेज क्या तो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पे क्या लॉजिस्टिक में रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑपरेट कर, यानी कि स्पीसीज़ के बीच के, सेम स्पीसीज़ के बीच के मेंबर्स के बीच में कंपटीशन, दो स्पीसीज़ के बीच का नहीं, एक स्पीसीज की बात चल रही हो, आपस में उन इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन ऑपरेट करेगा, ठीक है। इक्वेशन डी एन ओवर डी टी इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू एन, यानी कि पर कैपिटा, ये आर की वैल्यू है। तो डी एन ओवर डी टी आर एन याद रखिए, आर बराबर बी माइनस डी रख दीजिए आप। बी और डी क्या है? बर्थ रेट पर कैपिटा है, ठीक है। ऐसे डी एन ओवर डी टी आर एन, इसमें आप के माइनस एन बाई के ले लीजिए, ठीक है।
इसमें क्या है, पॉपुलेशन अटेंड्स आर टू द फुलेस्ट परसेंट, इसमें आर जो है इंट्रेंसिक रेट, इंट्रेंसिक बर्थ रेट वो फुलेस्ट अटेंड हो जाता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। ये जे सेफ कर्व होता है, ये एक्सेप्ट कर्व होता है, इसकी वैल्यू ऑफ रिमेन्स सेम एट द टाइम, टाइम पास जैसे होता है आर की वैल्यू सेम रहती है, इसमें क्या होता है आर इंक्रीज करेगा उसके बाद डिक्लाइन करेगा फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू इसमें सेम रहती है एक्सपोनेंशियल, इसमें क्या होती है पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्लाइन हो जाएगा फिर स्टेबलाइज हो जाता है। फिर ये दो फेस में होता है लैग और लॉग, ठीक है, ये इसके तीन फेस होते हैं, लैग फेस, लॉग फेस, डिक्लाइन फेस। उसके बाद में आगे मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज की आर की वैल्यू दी गई, उससे आप ये आइडिया लगा लीजिए कौन सी स्पीसीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात करिएगा, मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, उसके बाद आगे, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ हो रहा है जे शेप जो कर, इस कर की बात करिए, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें बस ये बताया गया कि एक राजा ने शर्त लगाई कि एक आदमी से, मिनिस्टर से, कि कौन जीतेगा कौन है। तो मिनिस्टर ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो आपको क्या करना होगा, चेस का जो बोर्ड होता है उसमें गेहूँ के दाने देने पड़ेंगे, हर पहले पहले स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे एक दाना, फिर दूसरे में दो, फिर तीसरे में चार, फिर चौथे में आठ, यानी कि स्टेबल करते जाएंगे, ठीक है। जितना भी लास्ट 64 स्क्वायर 64 स्क्वायर तक खुल जाएंगे उतना दाना मुझे आप देंगे अगर मैं जीत, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने का तरीका है, इसका मतलब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बहुत एनॉर्मस होती है, ठीक है ना। इसका जो क्वांटम होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत एनॉर्मस होता है, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज कैसे करनी है इस एग्जाम्पल से, ठीक है। ओके, तो आगे देखिए, ये इजीली आप बैक्टीरिया केस में समझ सकते हैं, बैक्टीरिया पॉपुलेशन भी एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, मीडियम आपका एनएफएस शुरुआत में, ठीक है। फिर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करिए, ये आपको मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिए, इसमें क्या है स्पीसीज क्या करती है, रिसोर्सेज क्या है, हर स्पीसीज के बाद अनलिमिटेड नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो एक्सपोनेंशियल ना होकर लॉजिस्टिक ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। डार्विनियन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अंडरस्टैंड बाय लॉजिस्टिक मॉडल ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, वो क्या बोलते हैं, जो रिसोर्सेज आसपास इंडिविजुअल होंगे, जितना कंपटीशन होगा उसमें से जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो निकल के आएगा। तो आर की वैल्यू इंट्रेंसिक रेट की बात करी जाए या डार्विन की थ्योरी की बात करी जाए तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात करी जा सकती है, ठीक है ना, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब जो कैरिंग कैपेसिटी की बात करके, वो हर हैबिटेट में हर स्पीसीज के लिए उसकी अलग अलग होती है। तो आप जैसे कोई सिंपल आप समझिए कि बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है, जो प्रेडेटरी प्लेट है, उसमें उनकी कैरिंग कैपेसिटी कुछ लाख बैक्टीरिया, कुछ करोड़ बैक्टीरिया तक ही होगी, उसके बाद वो बैटरी प्लेट का मीडियम उन बैक्टीरिया को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कैरिंग कैपेसिटी। इसी तरह ह्यूमन के केस में समझ लीजिए, अर्थ है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो एक दिन आएगा जब अर्थ जो है ह्यूमन के पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उससे ज़्यादा ह्यूमन का पॉपुलेशन नहीं। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चन है, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल डी एन ओ डी टी आर एन के एन, ठीक है, माइनस एन डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, वो आप एक क्वेश्चन, यहाँ टाइपिंग में एरर है, के माइनस एन है, ओके आप समझ लीजिए के माइनस एन बाई एन है, या माइनस छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, अब इसको माइनस देख लेना, माइनस टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन एन अपर ग्रोथ इज अज्यूम्ड, द अपर लिमिट इज टू द ग्रोथ इज नोन एज द पॉपुलेशन, क्या बोला जाता है अपर ग्रोथ, एंड द एन गेट्स लार्जर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसमें क्या ऑप्शन आएगा, देखिए समझिए, द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो है डिस्क्राइब्स पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या पॉपुलेशन व्हेन एन अपर ग्रोथ इज अज्यूम, जब अपर ग्रोथ अज्यूम की जाएगी, दिस अपर लिमिट टू द ग्रोथ इज नोन एज द पॉपुलेशन, क्या बोल, अपर लिमिट क्या बोली जाती है पॉपुलेशन की, बायोटिक पोटेंशियल बोली जाती है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन दो दोबारा पढ़िए, देखिए द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल डी एन ओ डी टी आर एन डिस्क्राइब्स पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन एन अपर ग्रोथ इज अज्यूम, अपर ग्रोथ, द अपर लिमिट टू द ग्रोथ इज नोन एज द पॉपुलेशन, एंड एस एन कैरिंग कैपेसिटी की बात करी जा रही है, ठीक है। अपर ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती ना, तो अपर ग्रोथ मतलब क्या है कैरिंग कैपेसिटी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे समझ में। तो अपर लिमिट में क्या है कैरिंग कैपेसिटी, उससे ज़्यादा तो कैरी नहीं हो सकता ना, तो अब इसमें क्या फर्स्ट वाले में क्या है कैरिंग कैपेसिटी, एंड एस एन गेट्स लार्ज, जैसे जैसे एन बढ़ता है डी एन ओ डी टी क्या हो जाती है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन का, तो डी एन ओ डी टी क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डी एन ओ डी टी क्या बता रहा, रेट बता रहा, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा कैरिंग कैपेसिटी और डिक्रीजेस, ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें स्टार भी मार्क भी किया होगा मैंने, ठीक है ना, हाँ ये आपके लिए है, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी है आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, इसको बेरहोलस्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहा जा सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको स्टडी किया था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया एक तरीके से, उनके नाम पे ये दिया गया, ठीक है। तो लॉजिक सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक पढ़ा, उसके बाद लॉजिस्टिक आ गया, लॉजिस्टिक को पियर हॉलस्ट, तो दोनों के दो दो नाम है, ठीक है। इस वाले ग्राफ में आप देखिए, इनिशियली जो होता है ना वो लैग फेस होता है, मतलब शुरुआत में जब पॉपुलेशन की साइज बहुत कम है तो एन की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, तो के की वैल्यू क्या है, के माइनस एन बहुत नेग्लिजिबल, एन की जीरो है तो के
एन की वैल्यू जीरो तो इक्वल टू के ही आ जाएगा, तो इस इक्वेशन में आप के की वैल्यू रखेंगे तो एन तो जीरो तो के बराबर के वन आ जाएगा। तो ये इनिशियली कैसे फॉलो कर रहा है डी एन ओवर डी आर एन, ये सिंपल कैसा हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, यानी कि लैग फेस में जो है ना वो लॉजिस्टिक ग्राफ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कैसे बिहेव कर रहा है जैसे कि आपका एक्सपोनेंशियल, यानी कि लैग फेस में लॉजिस्टिक मॉडल भी एक्सपोनेंशियल मॉडल की तरह बिहेव, फिर एक्सेलेरेशन फेस होता है, फिर डिक्लिनेशन डिक्लाइन मतलब रेशियो लिमिटेड डिक्लाइन हो रहा है, ये कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज़्यादा आपका पॉपुलेशन वहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एन क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी एट टाइम टी, ठीक है ना, पॉपुलेशन की डेंसिटी एट टाइम टी है, ये आर इंटेंसिटी रेट बता ही दिया, आर की वैल्यू क्या बर्थ रेट माइनस डेथ रेट पर कैपिटल, के कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ठीक, ओके, अब देखिए इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको। देखिए सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फिनिट एंड बिकम लिमिटिंग फ्रॉम द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है कि भैया ऐसा है ज़िंदगी में या कहीं भी किसी भी स्पेसिफिकली रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो रियलिस्टिकली ग्रोथ मॉडल कौन सा, लॉजिस्टिक। तो अगर आपको बोला जाए कि एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक में से इंपॉर्टेंट ग्रोथ मॉडल कौन सा है तो आप बोलेंगे लॉजिस्टिक, दोनों के दो दो नाम हैं, कैसे उनकी इक्वेशंस में कैसे उनके ग्राफ हैं कहाँ पर क्या फेस हो रहा है वो आप डिफाइन कर लीजिए, समझ लीजिए आर की वैल्यू क्या है, सारा मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब देखिए के माइनस एन क्या बताता है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन बी एडेड टू द पॉपुलेशन बिफोर इट हिट्स द कैरिंग कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए के माइनस एन जो है इसमें ये बता रहा है कि कितने इंडिविजुअल्स नए ऐड हो सकते हैं जब तक कि ये के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू के से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, ये चीज़ समझ लीजिए आप, ओके, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ रेट की बात करके कैसे ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव ग्रोथ रेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, ग्रोथ रेट की बात करें तो आप समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज़, अब देखिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करते हैं, इसमें भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कर सकते। देखिए ऐसा होता है किसी भी स्पीसीज की लाइफ हिस्ट्री की बात अगर करेंगे ना तो हमें इवोल्यूशनरी स्टडीज़ की बात करनी पड़ेगी, यानी कि उसके इवोल्यूशन को देखना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रेशर प्ले करता है, उसमें क्या है एबायोटिक बायोटिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं किसी भी स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के ऊपर, एबायोटिक बायोटिक कंस्टेंट तो उसकी पॉपुलेशन के ऊपर, मान लीजिए एबायोटिक बायोटिक कंस्टेंट्स हैं, प्रेशर प्रेडेशन प्रेशर है, मौसम अच्छा नहीं है, वेदर चेंज हो रहा है, बहुत सारे फिनोमिनास प्ले करते हैं, तो बायोटिक अबायोटिक दोनों तरह के कंस्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो इसको सिलेक्शन प्रेशर में एवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है एवोल्यूशन होता है स्पीसीज़ का। लेकिन हर स्पीसीज़ क्या करना चाहती है, डार्विनियन फिटनेस को, यानी कि हाई आर वैल्यू, यानी कि बर्थ रेट माइनस डी डेथ रेट बी माइनस डी को अटेन करना चाहती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी इसको बोलते हैं। तो हर एक स्पीसीज़ क्या करना चाहती है, हाई आर वैल्यू को अटेन करना चाहती है। ठीक है, तो ये बात कही गई है कि यहाँ पर सिंपल ये बताया कि ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व करते हैं वो मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी एवोल्यूशन होता है तो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज की बात करी जाए तो उसमें सबसे एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मैनी टाइम्स ब्रीडिंग करते हैं, कुछ लाइफ में एक बार ही करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बैम्बू का पेड़ है, एक बार ही उसमें फ्लावरिंग आती है, बहुत सारी अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ बहुत सारे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फ्यू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो सारा का सारा जो खेल है ना, सो व्हिच इज़ डिजायरेबल, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बहुत कम कर रहे हैं, कुछ एक ही बार लाइफ में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ कई बार कर रहे हैं, तो कौन सा डिजायरेबल मैक्सिमम फिटनेस के लिए है, कौन सा करेक्टर जो है डिजायरेबल है मैक्सिमम फिटनेस के लिए। इसमें इकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं वो क्या है, ये एवोल्यूशन जो हुआ है लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स का वो डिफरेंट स्पीसीज़ का, ठीक है, डिफरेंट हुआ है, क्यों, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज़ ने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड किए, उनका रेस्पॉन्स अलग लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उनका एवोल्यूशन अलग अलग हुआ है, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है वो भी उसी के हिसाब से इवॉल्व की है। तो बायोटिक एबायोटिक कंस्टेंट अलग अलग स्पीसीज़ पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं, उसी की वजह से हर स्पीसीज़ ने क्या किया, अपने अलग अलग स्ट्रेटजी इवॉल्व की। लेकिन कहीं ना कहीं इसको जब आप समझेंगे डीप में तो समझ में आएगा, हर स्पीसीज़ यही चाह रही है, जो उसके ऊपर बायोटिक एबायोटिक कंस्टेंट्स लगे थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, वो यही चाह रही कि उसका क्या रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखिए आप एक फटाफट देख लीजिए, इवोल्यूशन जो है ना पॉपुलेशन इवॉल्व करती है मैक्सिमाइज करने के लिए किसके लिए, आर वैल्यू को, डार्विन फिटनेस को, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हाल रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा ये द फॉलोइंग इज आर द हिस्ट्री ट्रेड्स ऑफ द, क्या हिस्ट्री लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, डार्विन फिटनेस, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी और फिटनेस गॉन बाय किसके द्वारा होती है, बायोटिक एबायोटिक दोनों के द्वारा, तो बहुत जाएगा इसका। देखिए ये आप क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने फ्रेम किया है आपको, कंसेप्ट को क्लियर भी करेगा, वाई एवरी ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे, क्यों करता है हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे में, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ हिस्ट्री एवरी ऑर्गेनिज्म हैज फेस्ड डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंस्टेंट एंड हैज रिस्पॉन्डेड एंड इवॉल्व, ठीक है ना, हर स्पीसीज ने अपने अलग अलग तरीके से जो उसके ऊपर बायोटिक एबायोटिक कंस्टेंट्स पड़े हैं उसको उसके हिसाब से वो इवॉल्व हुई। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके। तो वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।